हर स्कूल में कुछ ना कुछ खासियत होती है। स्कूल में बच्चे को जब अपन एडमिशन करते हैं तो पेरेंट्स एक तो चीज देखते हैं अपने घर के नजदीक का स्कूल, दूसरा देखते हैं वहां पे अपने बच्चों को मिलने वाला एजुकेशन कैसा है। तो मुझे यहाँ देखने के बाद बेहद खुशी महसूस हो रही है कि स्कूल में जो टीचिंग है ये बहुत ही अच्छी तरह से, टीचिंग के साथ साथ अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में आज बच्चों ने जो यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस दिखाए, जो बच्चे स्टेज पे जाने के लिए डरते हैं और यहाँ इतने लोगों के सामने वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहूँगा स्कूल के सभी टीचरों का जिन्होंने बेहद दिल से बच्चों को पढ़ा रहे। साथ ही साथ सर ने कहा है कि स्कूल के तरक्की में मेरा भी कुछ हाथ है, तो सर के साथ मैं हमेशा हूँ, आगे भी रहूँगा। सर ने एक रिक्वेस्ट किया कि जूनियर कॉलेज तक का भी यहाँ पे स्कूल की आवश्यकता है, जरूर आप प्रस्ताव शासन के पास सादर करो, मेरी कुछ मदद रहेगी तो मैं आपको करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। पेरेंट्स, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी और अभी के एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस हुए। हम बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो हमें टीचर लोगों को मारने का अधिकार था, टीचर लोगों को डांटने का अधिकार था, और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में आके बोलते थे मेरा लड़का सुन नहीं रहा, इसको डांटो, इसको मारो। और आज के पेरेंट्स और कैसे हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारे, टीचर को सजा होना चाहिए। अभी रूल चेंज हुआ, परंतु कुछ अधिकार हम टीचर लोगों को देना चाहिए। जो बच्चे आपके साथ साथ पूरा दायित्व लेते हैं, हमारे टीचर, यहाँ के टीचर जो बच्चों को दिल से पढ़ाना चाहते हैं, मगर कई समय ऐसा रहता है कि उनको पनिशमेंट दिए बगैर सुधारते नहीं। हमने देखा हमारे बचपन में 10 एग्जाम चालू था और आगे का बच्चे का देख के पीछे के बच्चे ने लिखा तो उसको आधा घंटे के लिए नीचे झुकना पड़ा, और आगे से वो कभी ऐसा गलती नहीं किया आज तक कि उसने किसी का कॉपी करे। तो हमको छोटे छोटे गलतियों को सुधारने का या उनको पनिश करने का मौका हमारे टीचर लोगों को देना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल्स कितने हार्ड है हमको मालूम है, परंतु हमारे बच्चे तो वायलेंस करते हैं, चुप नहीं बैठते, मम्मी पापा का सुनते नहीं, तो इसके लिए टीचर लोगों को थोड़ा अधिकार देना चाहिए। आजकल कैसा हो गया, हर बच्चे हर पेरेंट्स को एक या दो बच्चे हैं और प्यार बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, जरूर बेहतर, क्योंकि बच्चों को प्यार देना ये अपना कर्तव्य है, हम उनको इस देश का अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य ये भी है गलत रास्ते पे अपना बच्चा नहीं जाना चाहिए। बच्चों को मोबाइल जो है ये आज के दुनिया में जितना आवश्यकता मोबाइल का है उतना ही उसको दूर रखना भी उतना ही जरूरी है। क्या हो गया 2019 में जब कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए तो लोगों को स्कूल को पढ़ाने के लिए एक ही जरिया था मोबाइल, और वहाँ से बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, और मोबाइल आ गया तो अभी छूटने का आदत नहीं है बच्चों को। मैं आजकल ऐसे देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के अंदर के बच्चे, उनको मोबाइल पे गाना दिखा के बच्चे लोग माताएं अपने बच्चों को फीडिंग करके खाना खिलाती है, तो ऐसी सिचुएशन आज मोबाइल की आवश्यकता आप लोगों में बढ़ी है। इसके वजह से जो उनके एक्टिविटीज़ है, बच्चों को जो बाहर खेल कूद की दुनिया में जाने का ये मौका कम आता है, और मोबाइल में रिस्ट्रिक्टेड में ये कुछ भी देख सकते वो लोग, तो आज बच्चों के जो मेजर बच्चे होते जाते हैं 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के ऊपर अपने को स्टडी के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माता को और पिता को बोलते हैं मेरे को गूगल में सर्च करने का है, मेरे को ये क्या पढ़ा रहे वो देखने का ऑनलाइन की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोगों को टीचर लोग जो पढ़ा रहे वो सीखने की ज़रूरत है, आपके किताबों में जो वो सीखने की ज़रूरत है, ऑनलाइन की जरूरत 11th 12th के बाद आपको पड़ेगी, मगर अभी जो ज़रूरत इतना नहीं है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से कि आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल देते वक्त थोड़ा ध्यान से दीजिए, और मोबाइल का दुरुपयोग नहीं होता है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों का एक बिगड़ने का समय 7th से लेके 12th तक का पीरियड रहता है। इस पीरियड में अगर बच्चे ने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, माता पिता ने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए,
तो बच्चे का भविष्य खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा पेरेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट है, पैसा हर आदमी कमाना चाहता है, हर आदमी कमा के क्या करना चाहता है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही रखना चाहता है। आप यहाँ 2 घंटा अगर टाइम बच्चों के लिए देंगे तो उनका फ्यूचर बेहतर होने वाला है। नहीं तो आपको पूछा जाएगा, माँ देखती है, पिताजी आता है, तब तक बच्चा सो जाता है, और सुबह जब पिताजी जाते हैं तब तक बच्चा स्कूल चला जाता है। ये मुलाकात होती है 5-10 मिनट के लिए, उनसे ना अच्छे प्यार से बोल पाते हैं। संडे के दिन ऐसा रहता है छुट्टी है या फ्राइडे को छुट्टी है, उस दिन अपने पर्सनल काम लेके बैठते हैं, हम बच्चों को टाइम ही दे नहीं पाते। मैं बस पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हर पिताजी का करते हैं, माता तो हमेशा उनके साथ में रहती है, पर पिता लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको जब भी टाइम मिलेगा तब आपके बच्चे के एजुकेशन के बारे में, उनके स्टडी के बारे में, उनके स्कूल के बारे में थोड़ा पूछताछ करो। अगर आपको लगता है बच्चों को बराबर पढ़ाया नहीं जा रहा है तो स्कूल में जाओ, विजिट करो, बच्चों के तरक्की के लिए क्या बातें पूछनी है तो पूछो, आपको स्कूल वाले वेलकम करेंगे। पेरेंट्स जितने कोऑर्डिनेट रहेंगे, जितने अच्छे टीचर से बात करेंगे, उतना आप कोऑपरेट करेंगे। बच्चों की तकलीफ आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, और उनको क्या आ रहा है क्या आ रहा है, टीचर लोग उनका वर्क करते हैं। हमारा परफॉर्मेंस कब दिखता है कि उनके एनुअल डे के टाइम या उनके एग्जाम के टाइम। मैं अभी यहाँ पे देखा हूँ जितने भी बच्चों को सर्टिफिकेट बटा, ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, तो पहले तो उन लड़कियों के लिए आप तालियां बजाएंगे, उन माता लोगों के लिए तालियां बजाएंगे, उन टीचर लोगों को तालियां बजाएंगे जिन्होंने मेहनत किया। और इसका मतलब ये नहीं कि लड़के पीछे है, परंतु लड़के के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो इसके लिए मैं टीचर लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ज़्यादातर महिला टीचर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़कियों की तरफ भी ध्यान दो, थोड़ा लड़कों की तरफ भी ध्यान दो। एक भी बच्चा मुझे दिखा नहीं इधर, तो थोड़ा आपका भी कर्तव्य है, आप ध्यान देते ही हो, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है कि एडिशनल उनके ऊपर ध्यान दो। यहाँ अभी स्कूल का फ्यूचर जो है, नए दो युवक अभी स्कूल को संभाल रहे, हमारे नवीन जी और हमारे अरुण जी, इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। स्कूल की एक ऐसे रहते स्कूल इन्होंने जब चालू किया, मल्लिक जी के पिताजी ने, जब उनकी इच्छा थी एक स्कूल गरीब बस्ती में चालू करे और लोगों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन कम रेट में देना चाहिए, और उन्होंने वहाँ पे उस सराउंडिंग एरिया में सबसे बेस्ट स्कूल जो है आपका नवोदया स्कूल है। इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, शायद मैं ज़्यादा टाइम लिया, आपका एंटरटेनमेंट का टाइम है, फिर भी मैं ज़्यादा टाइम लिया, मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद।